नमस्कार दोस्तों, जस्ट ऑटो सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों ने मैकेनिक क्लासरूम है हमारा, मैकेनिक क्लासरूम में आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज रखी हुई है। और दूसरी बात कि एक इंजन आया था हमारे पास डस्टर 85 का, तो इंजन की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब गाड़ी गर्म होके बंद हो गई थी। तो इंजन खोलने के बाद इंजन कंडीशन में आपको दिखाता हूँ इंजन की हालत कैसी हो गई। और ये आपको नई बात बता देता हूँ, क्योंकि हमारा स्टूडेंट ने इंजन पूरा ओपन किया है और पूरा क्लीन स्टूडेंट लोगों ने किया है। थैंक यू भाई। यहाँ पे देखिए ये कितना ओवरहीट हो गया था गाड़ी, पिस्टन भी पिघल गया। ये पिस्टन की हालत देखिए, बराबर ये एल्यूमिनियम पिघल के वाल के साथ चिपक गया है यहाँ पे। ये थोड़ा सही है लेकिन ख़राब तो हो गया है, लेकिन ये दोनों की कंडीशन तो बहुत ख़राब थी पहले वाले दो की, ये थोड़ा ठीक है। लेकिन चार नंबर और दो नंबर दोनों में एल्यूमिनियम वाल के साथ चिपक गया है पिघल के, तो बोर भी आउट हो गया है, हेड भी आउट हो गया है, ये कंडीशन है। अभी इसको हम लोग लेथ में भिजवाएंगे, फिर नया पिस्टन के साथ असेंबल करेंगे हम लोग, तब दूसरी वीडियो डालेंगे। क्योंकि ये पार्ट वन में हम लोग पहले बता देते आपको क्या क्या प्रॉब्लम था इंजन डिसमेंटल करने के बाद, बाकी सर आगे बताएंगे। इसमें हम कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाए, तो जैसे हमने पूरा डस्टर का इंजन ओवरहॉल किया हुआ है, तो उसमें जो हमारे जो दो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरा इंजन को डिसमेंटल कर दिया है, जिसमें आप देख रहे हो सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, टैपेट कवर, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन विथ कनेक्टिंग रोड, सारे टैपेट्स, ऑयल पम्प, हमारा जो चैम्बर है वहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो टर्बोचार्जर है, तो ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर हमने डिसमेंटल कर लिए हैं। अभी यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा। सिलेंडर हेड है हमारा, तो हेड का जो सर्फेसिंग होता है, ब्लॉक का जो सर्फेसिंग होता है, क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रोड है, उनका पूरा जो स्पेशल टूल्स है उनसे मेजरमेंट लिया जाएगा। और मेजरमेंट लेने के बाद जो कंपोनेंट सही है और जो कंपोनेंट्स हमें रिप्लेस करने हैं, वो कंपोनेंट्स ला कर के हम इंजन को पूरा असेंबल करेंगे। तो वो असेंबल भी हमारे स्टूडेंट्स ही करने वाले हैं। उनको एज पर जो सर्विस मैन्यूअल जो प्रोसेस होती है ना, कि भाई जो कंपोनेंट्स का मेजरमेंट कैसे लेना है, तो कंपोनेंट्स का मेजरमेंट स्पेशल टूल से लेकर के टॉर्क रेंच कहाँ लगाना है, डिग्री टॉर्क लगाना है तो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप पूरे इंजन को हम असेंबल करने वाले हैं। ठीक है, तो असेंबल करने के लिए आपको आगे वीडियो हमारा देखना पड़ेगा, ताकि आपको एक परफेक्ट इंजन बनाना है क्या क्या चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और क्या सावधानी बरतनी है, वो देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना रहेगा। थैंक यू।